हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। आज हम बात करेंगे हम अपने सिम कार्ड को अपने आधार कार्ड से क्यों कनेक्ट करें। हमें रोज़ मैसेज क्यों आ रहे हैं कि अपने सिम कार्ड को अपने आधार कार्ड से कनेक्ट कीजिए, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, तो सरकार ऐसा क्या करना चाह रही है आगे चल के कि जो वो ऐसा करवा रही है। तो आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि हमें सरकार ऐसा क्यों करने के लिए कह रही है और हमें कब तक अपना आधार कार्ड अटैच करवा देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सिम कार्ड है सभी मैसेज आ रहे हैं, अगर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उन पे आपके पास ही मैसेज आए होंगे कि उनको 2018 में फरवरी के महीने से पहले आपको उसे आधार कार्ड से लिंक करवा देना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल क्यों निकाला, इससे क्या होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं जिनके पास जो पुरानी सिम यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अपनी सिम जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाई, तो उन सभी को लिंक करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप ये सोचते होंगे कि जब मैंने आधार कार्ड बनवाया था तो मैंने वहाँ पर भी अपना एक नंबर दिया था जिस नंबर पर आपका OTP आया था, और आधार कार्ड से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है सारी उसी नंबर पर आती हैं। लेकिन अब चीज़ें जो हो रही हैं वो अलग हो रही हैं, अलग इस तरह से कि अब आपके पास जितने भी नंबर हैं, जब से मान लीजिए आपके पास मल्टीपल सिम है, आपके पास 2 सिम है 3 सिम है, तो अब आपको जितनी भी सिम है सभी सिम में आपको अपना आधार कार्ड लगवाना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी सिम जो होगी वो 2018 फरवरी से पहले अगर आपने अपना आधार कार्ड नहीं लगवाया तो आपकी सिम जो होगी वो बंद हो जाएगी। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो इसके बारे में आप आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि अब ये प्रोसेस क्या है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको जो भी आपका सिम है, मान लीजिए एयरटेल की है, वोडा की है, आइडिया की है, या एयरसेल की है, या रिलायंस की है, कोई भी सिम हो आपके पास, आप जस्ट लीजिए। उसको लेने के बाद आप जो भी एयरटेल के स्टोर पर चले जाइए या वोडा के स्टोर पर चले जाइए या किसी भी ऐसे शॉप के पास चले जाइए, रिटेलर के पास चले जाइए, जो ये आधार कार्ड लिंक कर रहा हो आपके फ़ोन नंबर से, वहाँ पे जाइए। आप जाने के बाद वो आपका नंबर पूछेंगे, आप अपना नंबर बताइए, जो भी आपका सिम का नंबर है, जो भी आप अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं वो नंबर बताइए, आप वही नंबर बताइए। और वही नंबर बताने के बाद वो इंटर करेंगे अपने सिस्टम में इंटर करने के बाद आपके उसी नंबर पर एक OTP आएगा, आपके उसी नंबर पर OTP आएगा। ना कि ऐसा मत सोचिएगा कि हमने जो आधार कार्ड जब बनवाते समय जो नंबर दिया था उस पर आएगा OTP, उस पर कोई OTP नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना जो अभी जो यूज़ कर रहे हैं नंबर हो उस पर OTP आएगा, उसी पर्टिकुलर नंबर पर OTP आएगा। जब भी OTP आएगा आप इंटर करिए, OTP बता दीजिए, वो OTP इंटर करने के बाद वो अपना जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर बताइएगा आप। आधार कार्ड नंबर बताने के बाद आपको फिंगरप्रिंट लेंगे, जैसे कि आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपका ही आधार कार्ड है, और जैसे ही मैच हो जाएगा, मैच होने के बाद आपका आधार कार्ड अपने फ़ोन से आपके फ़ोन नंबर से लिंक हो जाएगा, और लिंक होने के बाद आपको फ़ोन नंबर जो है बंद नहीं होएगा। तो ये सारा जो आपको प्रोसेस है ये आपको 2018 में फरवरी से पहले करवा लेना है, नहीं तो आपकी जो सिम होगी वो बंद हो जाएगी। और जिन लोगों ने जियो की सिम जो ली है वो काफ़ी टाइम पहले अगर ली है, और जिस टाइम पे उन्होंने अपना जो फिंगरप्रिंट से नहीं दिया था, बस खाली पहचान पत्र के थ्रू या आधार कार्ड के थ्रू ही ले लिया था जो सिम ली थी, और जो जिन्होंने फोटोकॉपी जमा करी थी उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने फोटोकॉपी जमा करी थी, तो उनको भी अपना जो आधार कार्ड है वो लिंक करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी भी सिम बंद हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि ऐसा सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ रही है करने के लिए, और सरकार ऐसा क्यों कह रही है करने के लिए। तो सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ये हमें करवाना चाहिए, हमें फरवरी से पहले क्या अभी करवाना चाहिए, हमें अभी लिंक करवाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि किसी के पास 10-10, 12-12 सिम होती हैं, वो जाते हैं जस्ट अपना आधार कार्ड देते हैं या अपना पहचान पत्र देते हैं, वो अपनी सिम निकलवा लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब अगर आपके जो आधार कार्ड से अगर सिम लिंक होगी आपकी, तो हो सकता है कि आगे चल के ये भी कहा जाए कि आपके 2 सिम या 3 सिम से ज़्यादा अपने सिम ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फेक बंदे हैं, जो फेक सिम चलाते हैं, वो कंट्रोल में आ जाएंगे सबसे पहले, तो उनकी जो कंट्रोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपको सिम नहीं मिलेगी, बिना आधार कार्ड के लिंक हुए आपकी सिम चालू नहीं होगी। दूसरी थिंकिंग ये है सरकार की कि जैसे ही आप अपना आधार कार्ड अपने फ़ोन से भी लिंक करवा देंगे, अपने बैंक अकाउंट में भी आपका आधार कार्ड लग गया है, तो अगर आगे चल के कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपका आधार कार्ड का नंबर जस्ट इंटर करेंगे और आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, आपका पैन कार्ड की डिटेल आ जाएगी, आपकी जो फ़ोन नंबर की डिटेल आ जाएगी, और इसी तरीके से आपको ट्रेस भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड आपका लिंक है। अगर किसी के पास आपका आधार कार्ड हुआ और आपको ट्रेस करना चाह रहे हैं तो आप इजीली ट्रेस हो सकते हैं। क्यों ट्रेस हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपना आधार कार्ड अपने फ़ोन नंबर से लिंक करवा रखा है।
तो ये काफ़ी सारा सिस्टम काफ़ी सिस्टमेटिक हो जाएगा, आगे चल के आपको काफ़ी इजीली आप अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सेफ़ है, क्या ये करना ऐसा सेफ़ रहेगा? क्योंकि अभी बीच में जियो के कुछ डाटाबेस लीक हुए थे जिसमें काफ़ी सारे लोगों के आधार कार्ड नंबर लीक हो गए थे, तो अगर बाय चांस आगे भी चल के ऐसा हुआ तो काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर देखते हैं कि अगर सरकार हमारी चल के आगे चल के काफ़ी सारी सिक्योरिटी लगाती है जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो पाए, तो ये काफ़ी हद तक बेटर रहेगा। तो आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या आप लिंक करवाना चाहते हैं, क्या आपको ये बेस्ट लगता है करना? तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ों को कमेंट में जरूर लिखिएगा जिससे कि हम भी जान सकें कि आपकी राय क्या है, और इस वीडियो को जितना भी हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमें क्यों आधार कार्ड लिंक करवाना चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के कि अगर हमारा कोई भी डाटाबेस लीक हो गया तो। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी आधार कार्ड से और फोन नंबर से लिंक करने के लिए। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए, जिससे कि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।